और ये हम ऋषिकेश के भूतनाथ टेम्पल, प्राचीन मंदिर है, उधर की तरफ जा रहे हैं। आजा आजा। ये दुगल बिट्टा है ना, दुगल बिट्टा ये यहाँ हम ठहरे हैं दुगल बिट्टा में, गेस्ट हाउस है। और ये सामने आप देखेंगे हिमालय पर्वत कैसा शाइनिंग मारता हुआ। और इसका निर्माण 1925 और ऊंचाई समुद्र तल से 2360 मीटर है। मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। अच्छा, पानी वो जा रहा। तुंगनाथ जाने के लिए वो जो है ये चोटी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा और उसके बाद तुंगनाथ के लिए बहुत ऊंचे पे है वो, तो वहाँ देखेंगे आज तुंगनाथ अगर खुला होंगे वहाँ के कपाट, तो वहाँ पहुँचेंगे। मुझे लग रहा है कि वहाँ के कपाट बंद कर दिए। और ये अब हम इस टाइम पे कहाँ पर हैं, चोपता में, चोपता के बिल्कुल टॉप में है। और यहाँ का जो सुंदरता है आपको दिखा रहे हैं यहाँ। और आपको ये भी बता दूं कि टेम्परेचर रात को इतना कम होने के कारण जो सारा नीचे आप देख रहे हो ये पानी सारा जमा हुआ है और नालियां भी जम जाती है। हाँ पापा सही बोल रहे हैं यार, आप हमें रुकवा दो। चोपता में मजे लेते हुए वो आगे के प्रोग्राम बता रहे हैं कि अब कहाँ जाना है। हाँ अभी तो यहीं घूम रहे हैं। ये यहाँ का सुंदर दृश्य देखिएगा, ये देखो ये वो वाली जगह कौन सी भैया, वो जो वहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, रास्ते में ऊपर जो पड़ रहा था। ठीक। दोगल बिट्टा में तो कोई टावर भी नहीं है। अब चला, अब किने जान, अब अभी थोड़ा सा ट्रैकिंग करते हैं। हाँ। वहाँ से ऊपर से इनकी फोटो खींच के आते हैं। ओके, चुकी। हाँ। उसके बाद हम जाएंगे मुक्कुमठ जहाँ बाबा कुतुबनाथ की डोली है। ओ, अच्छा, दर्शन करेंगे। ठीक है, कहाँ पर? कुतुबनाथ की डोली है, कहाँ पर? मुक्कुमठ में। मुक्कुमठ में जी, ये हमें गाइड कर रहे हैं, इनको सब पता है। गाड़ी पे लॉक है? लॉक कर दी तुमने? करो ना। हम्म, किस बुग्याल क्या होते पापा? अब बुग्याल क्या होते? बुग्याल कहते हरा भरा। अच्छा, जंगल तो आजकल बुग्याल हो ही नहीं रखी, घर में बुग्याल ही बुगाल रहती है। पापा हेलो,
ये मुक्कुमट में प्रवेश द्वार में पहुंच गए हम। तुंगनाथ ऊपर से बंद होने के कारण हम नीचे आ गए। तुंगनाथ से करीब 20 किलोमीटर नीचे, जो जब बर्फ पड़ती है उसके बाद ये डोली को नीचे ले आते हैं मुक्कुमट में। हाथ लगा देने बस। बस थोड़ा थोड़ा इधर भी डाल दो। अरे हाथ तो लगा दे। उधर की साइड भी तो होंगी मूर्तियां है, राइट साइड में भी तो होंगी। ये तुंगनाथ के दर्शन हमने मुक्कुमट पे ही कर दिए, क्योंकि तुंगनाथ में इस टाइम में बंद रहता है, तो वहां से डोली मुक्कुमट पे आती है तुंगनाथ से। होगा कुछ। ये मुक्कुमट का मंदिर है, यहीं पर तुंगनाथ की मूर्तियां यहाँ पर अभी आराम करने के लिए यहीं पर रखी हुई है। और ये पहुंच गया हम ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे केदारेश्वर और मंदिरेश्वर की गद्दी विराजमान है। 6 महीने यही पूजा होती है केदार बाबा की और मंदिरेश्वर की। अच्छा, तो आज हम यही दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिरेश्वर के द्वार बंद हो गए हैं और आपको भी दर्शन करा रहे हैं। ये ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ पे पंच केदार विराजमान है। जो लोग पंच केदार के दर्शन नहीं कर पाते वो लोग इस मंदिर में आके पंच केदार के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ केदारनाथ से डोला उठता है और 6 महीने यहीं पूजा होती है। मध्यवेश्वर महाराज की भी यहीं गद्दी विराजती है, 6 महीने यहीं उनकी पूजा होती है। तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महाराज, पंच केदार पाँचों के पाँचों यहाँ विराजमान हैं। आज हमने यहाँ दर्शन किए और पूजा अर्चना कराई, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को यहाँ के दर्शन करा रहे हैं बाहर बाहर से मंदिर के दर्शन। जय हो। हम आए हैं काली मठ में, जो गुप्त काशी में है ये काली मठ, वहाँ हमने इंटर किया है। Thank you.
जी लक्ष्मा 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 छोरी लक्ष्मा सुरा सुरा हाउ चली साड़ी संभाला।